अंग्रेजी में कहावत है, जो खुद गलती अपने को समझता है तो बोलेगा क्या, बोलने का मुंह कहाँ है। हर तरह की बातें हो रही है और घटनाएं उसी के माध्यम से हो रही है जो इनके सागिर्द हैं, कैसे ही बोलेंगे। आरोप लगाते थे नीतीश कुमार जी, आपने भाजपा का एजेंट थे, बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसी को आप स्पष्ट हो लीजिए और आप पर हम छोड़ते हैं, प्रश्न करते हैं कि ये हम उनके साथ नहीं बल्कि पार्टी में थे, गठबंधन में थे, तो हम भाजपा के लिए जासूसी करते थे और हमको हटाने का कार्य इसलिए उन्होंने किया कि आप मेरे पार्टी में ज्वाइन करो, और ज्वाइन हम करते विलय करते तो वहाँ घर में रह करके तो और जासूसी कर सकते थे, है सही बात कि नहीं। अगर हम ज़्यादा जासूसी करते थे तो मतलब झूठ बात बोल रहे हैं, मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। जासूसी करना जीतन मांझी के कैरेक्टर में नहीं है। जीतन मांझी गरीब परिवार का है, एक मूसर भुइयां परिवार का है, ईमानदारी से रहना चाहता है, सच्चाई से रहना चाहते हैं। हमने तो कसम खाया था क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री अपना बचाव के लिए बनाया था, लेकिन बनाया था, हम तो लाइव थे, हम माँ का कसम खाया था कि नीतीश जी आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब चार विधायक के साथ और एक MLC के साथ लास्ट मिलने गए तो 35 मिनट उन्होंने भाषण दिया और कहा कि आप मेरे साथ विलय कर दीजिए। हमने कहा विलय नहीं करेंगे, तब कहें कि बाहर जाओ, दो दो बार कहें बाहर जाओ, तब हम समझे कि मेरा कसम खत्म हो गया। तब हम नहीं, कोई NDA में बात नहीं है, बिना शर्त भी हम वहाँ पर हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कि सबसे पहला हमको बेइज्जत करके हटाया गया। हमारे बेटा संतोष कुमार सुमन को, जो माइनर इरीगेशन का मिनिस्टर था, उस जो कर रहा था दक्षिण बिहार में, माइनर इरीगेशन की बड़ी संभावनाएं थी, बहुत सा काम आज हुआ है और काम होता, उनको पता चल गया कि दक्षिण बिहार में गया में तो ऐसी ही सून पर आउट हैं, जनता दल यूनाइटेड गया में सून पर आउट हैं, जीतन मांझी का पार्टी 3 जीता हुआ है और 3 राजद जीता हुआ है और 4 भाजपा जीता हुआ है, 10 में वो नील हैं। लोग ने बतलाया कि आप ऐसा विभाग दे दिया है कि ऐसा काम कर रहा है उस 7-8 कंट्री में कि वो तो सब जगह जीत जाएगा, आप तो और नील हो जाइएगा, बड़का 0 हो जाइएगा। तब उन्होंने हमसे माइनर इरीगेशन का माइनर इरीगेशन का जो विभाग था वो छीन लिया। उधर से लाइट ऑफ करी, लोकसभा चुनाव में आप कितना मांग किए हैं अमित शाह से? कोई मांग नहीं किया है, यही तो हम कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी जी को और ये अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने देखा कि जब NDA की बैठक हो रही थी दिल्ली में 18 को, तो जब हम 18 को वहाँ पर थे तो प्रधानमंत्री के स्वागत में 5 को चुना गया। ये मेरा सौभाग्य था कि 5 में सबसे पहले नड्डा साहब जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद जीतन मांझी, 3 में थे वहाँ का महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब, और 4 में थे मद्रास वाले स्वामी जी, और 5 में एक और आदमी जिनका नाम नहीं जानते, 5 रिसीव करने के लिए गए थे। ये सौभाग्य नीतीश कुमार के ये में नहीं मिला, एक चीज। और दूसरी चीज, जब डिनर की बात आई तो डिनर में टेबल नंबर 1 था जिसमें प्रधानमंत्री और वही शिंदे, जीतन मांझी, सुप्रिया पटेल और स्वामी जी तमिलनाडु, यही 4 आदमी एक टेबल पर खाना खा रहे थे। तो इससे गौरव की बात तो हो ही नहीं सकती, सीट मिले न मिले अलग बात है, जीतन मांझी प्रतिष्ठा का भूखा हुआ है और प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमको इतना भरपूर देने का काम किया। हमारी पुरानी बात याद आ गई, जब 2015 में हम जहाँ भी जाते थे नरेंद्र मोदी जी हमारा नाम लेते थे और लोगों को भान हो गया था कि 2015 में अगर 10 भी जीतन मांझी जीत जाता है तो बिहार का मुख्यमंत्री जीतन मांझी बनेगा। इसके चलते कुछ लोगों ने सबोटेज किया, कई सीट मिला, हम 1 जीते थे। तो मेरा कहने का मतलब हमको पुरानी बात याद आ गई और हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कि जो हमको भूले नहीं और हमको प्रतिष्ठा दी। मंत्री रहा राज्य में और कहता है कि हम बहुत विकास किया,
सोशल सेक्टर में, विकास में, बिजली में, आज बिजली की क्या स्थिति है? बहुत महंगी बिजली है। दूसरे राज्यों में जो बिजली मिलती है उसके दुगना दाम पर यहाँ बिजली दे रहे हैं, और बिजली आँख मिचौनी कर रही है, और बिजली किसी एजेंसी के माध्यम से दे रहे हैं। एजेंसी क्या करती है कि जहाँ 5,000 का बिल है वहाँ 50,000 का बिल दे देती है, जिससे किसान करा रहे हैं। इसीलिए जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री था तो कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को बिजली माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है, इनको डर है कि हम बिहार से नहीं जीतेंगे, इसीलिए ये फूलपुर से, क्योंकि ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, ये समाज की राजनीति कर नहीं कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम, लेकिन आप ही लोगों से मालूम हुआ है कि फूलपुर में एक पार्टिकुलर जात के, जिस जात से ही हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जात की राजनीति करके फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि ये पार्लियामेंट में जा सकें, नहीं तो बिहार से लड़ने का इनको दम नहीं है। जो 18 वर्ष मुख्यमंत्री बिहार का रहा, वो 2 या 3 पार्लियामेंट सीटमेंट क्यों सोचेगा? वो नालंदा से उनको लड़ना चाहिए था, और तब इनको आटा दाल का भाव पता चल जाता। इंडिया का संयोजक नहीं बनाया जाए इनको।